हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का चीला। तो देखें, यहाँ पे मैंने दाल को रात को भे के छोड़ दिया था और अभी मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। जैसे दरदरा मैंने इसको ग्राइंड करके ले लिया है पेस्ट को। और यहाँ पे मैंने पनीर की स्टफिंग तैयार की है, तो उसके अंदर मैंने डाला है पनीर, कैप्सिकम, हरी मिर्च और टमाटर। सो यहाँ पे मेरी स्टफिंग भी तैयार है और यहाँ पे मैंने चीला बनाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, और फ्रेंड मैंने मूंग दाल के पेस्ट के अंदर 2-4 लहसुन की कलियां डाली है और 2-3 हरी मिर्च डाली है, और उसके अंदर मैंने जैसे नमक डाल दिया है और इसे दरदरा मैंने ग्राइंड करके। फ्रेंड काफी दिनों से बच्चे बोल रहे थे हमें मूंग दाल का चीला खाना है, तो फाइनली आज मैं उनको बना के दे रही हूँ मूंग दाल का चीला। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसे पलट के छोड़ दिया, पलट दिया है, और यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन मेरा चीला सीख चुका है। तो इसके ऊपर अब ना मैं स्टफिंग डालूंगी। सो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं ये जो मैंने स्टफिंग बना के रखी थी उसको डाल देती हूँ। थोड़ा सा जैसे फोल्ड करके और दबा के थोड़ा सा सेक दूंगी, जैसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सिक जाएगा ये। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे चीला तो सिक चुका है और इसके साथ मैंने बनाई है पुदीने और टमाटर की चटनी। चीला तो हो गया है रेडी, अब इसको उतार के हम पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट भी कर देना। सो बाय बाय फ्रेंड।